कोल माइंस रेगुलेशन के अंतर्गत रेगुलेशन 48 मानी सरदार के कर्तव्य और जिम्मेवारियां, ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मानी सरदार। इस परीक्षा में बैठने वाले सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। सारे के सारे प्रश्न इसी से ही बनते हैं, कर्तव्य और जिम्मेवारी के अंतर्गत ही बनते हैं। सो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं हमारा अपना आज का वीडियो मानी क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा चैनल के अंतर्गत। मानी सरदार के कर्तव्य और जिम्मेवारियां, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज, इसका पहला पॉइंट यह है, मानी सरदार या कोई अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति, जिसे रेगुलेशन 129 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, वह खान के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा उन्हें सौंपे गए खान के डिस्ट्रिक्ट या खान का कोई हिस्सा या टुकड़ा के भीतर चार्ज, प्रभार और रिस्पांसिबिलिटीज, जिम्मेवारियां, कंट्रोल, नियंत्रण और उच्चाधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेशों के पालन करने के लिए जिम्मेवार माने जाएंगे। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक सरदार यह जरूर करेंगे, न्यायोचित, रीजनेबल, लॉजिकल एवं तर्कसंगत तरीके से उनके प्रभार वाले और नियंत्रण वाले डिस्ट्रिक्ट के कामगारों के द्वारा एक्ट, रेगुलेशन और उनके प्रावधानों और उसमें बताए गए उसमें निहित आदेशों का पालन करवाएंगे तथा किसी कानून या आदेश या प्रावधान का उल्लंघन होने की स्थिति में व्यवहारिक रूप से जितना जल्दी हो सके इस बात की सूचना अपने उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगे या उनको देंगे। बी पॉइंट, वे रेगुलेशन में बनाए गए सारे निरीक्षण, इंस्पेक्शंस और परीक्षण, एग्जामिनेशंस करेंगे और उनकी रिपोर्ट बनाएंगे, जानकारियां इकट्ठी करेंगे तथा उनके डिस्ट्रिक्ट में कहीं गो फेज है तो वे उस स्थान पर सपोर्ट को भी चेक करेंगे और गैस की उपस्थिति की जांच पर विशेष ध्यान लगाएंगे। सी पॉइंट, जहां पर भी खान या माइंस लगातार पालियों में चलती है, ऐसी कंडीशन को छोड़कर अन्य कंडीशन में या अन्य स्थिति में या दूसरी स्थिति में सरदार अपना पहला निरीक्षण खत्म करने के तुरंत बाद ही रेगुलेशन 129 में बताए गए आधार पर बने स्टेशन में जाएंगे और वहां उपस्थित कामगारों को उनके काम से जुड़े सुरक्षा निर्देश देंगे, सावधानियां बताएंगे और अगर कोई विशेष सावधानी उनकी उनको लगता है वहां पर ली जानी है तो विशेष स्थान पर विशेष सावधान ली जानी है तो वह भी उनको समझाएंगे। डी पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति को उसे नियुक्त किए गए या उसे बताए गए स्थान के अलावा किसी और अन्य स्थान पर वो पाते हैं तो वे उसे खान से बाहर जाने, बाहर चले जाने का
आदेश भी दे सकते हैं एवं इस बात की सूचना तुरंत अपने अधिकारियों को दे देंगे। ई पॉइंट यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अनुभवहीन व्यक्ति सिर्फ अनुभवी व्यक्ति के सुपरविजन या निगरानी या पर्यवेक्षण में ही काम पर लगाया जाए या नियुक्त किया जाए। एफ पॉइंट वे यह ध्यान देंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट उनके प्रभार के डिस्ट्रिक्ट में आने जाने के रास्ते ट्रैवलिंग रोडवेज कार्यस्थल वर्किंग प्लेस की छत रूप एवं साइड काती सुरक्षित रहे और पूरी तरह से सुरक्षित बनाकर रखी जाए। जी पॉइंट उनके नियंत्रण या प्रभार के डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कार्यस्थल वर्किंग प्लेस फ्लोर तल्ली से रूफ तक नापने के बाद 3 मीटर से अधिक होता है तो वे वहां पर कोई सुइटेबल उपयुक्त वुडन बंटन या पोल जिसकी सहायता से फ्लोर पर खड़े होकर पूरे के पूरे रूफ की जांच प्रभावी तरीके से इफेक्टिवली सुविधाजनक तरीके से की जा सके तथा एक उचित लंबाई की सीढ़ी या लैडर को डिस्ट्रिक्ट में कन्वीनियंट प्लेस या सुविधाजनक स्थान पर रखवा देंगे। एच पॉइंट अपने उच्चाधिकारियों को टिम्बर सपोर्ट की सामग्री या कोई उपकरण या कोई ऐसी अन्य आवश्यक सामग्री जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए जरूरी हो उसकी कमी होने की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को तुरंत देंगे। आई पॉइंट जहां पर भी उनके डिस्ट्रिक्ट से सरफेस तक आने जाने के 2 रास्ते हैं तो वे उपयोग में न आने वाले दूसरे रास्ते से कम 7 दिन में एक बार जरूर आना जाना करेंगे ताकि वे उस रास्ते से अच्छी तरह से परिचित रह सके तथा जे पॉइंट वे यह भी देखेंगे कि कोई भी सपोर्ट बगैर सेफ्टी प्रॉप ड्रावर के द्वारा ही खोला जाए के द्वारा वापस खोला जाए। सरदार तीसरा पॉइंट यदि सरदार अपने निरीक्षण के दौरान या किसी खतरे की सूचना मिलने पर और अगर उस स्थान पर आदमी काम पर लगे हैं और खतरा तुरंत ही वहां से हटाया नहीं जा सकता या खत्म नहीं किया जा सकता है तो वे वहां से सारे के सारे आदमी हटा लेंगे और उस स्थान से तब तक स्वयं नहीं हटेंगे जब तक कि खतरा उनकी उपस्थिति में हट ना जाए या खतरे के स्थान तक पहुंचने वाले सारे के सारे रास्ते प्रभावी रूप से फेंसिंग या बंद ना कर दिया जाए ताकि कोई व्यक्ति उस स्थान पर अचानक से या धोखे से वहां ना पहुंच जाए। चौथा पॉइंट प्रत्येक सरदार यह जरूर करेंगे ए
जब भी कोई खतरनाक कार्य किया जा रहा हो तो वह कार्य पूरी सुरक्षा और बताई गई या बनाई गई सावधानियों के साथ ही किया जाए तथा वे ऐसे कार्य के दौरान पूरे समय उसी स्थान पर मौजूद रहेंगे और जब भी कहीं रूपफल या फाल का मलमा या मटेरियल को हटाने के कार्य एवं उस स्थान पर सपोर्ट लगाने का काम हो रहा हो, ऐसे स्थान पर वे पूरे समय उपस्थित रहेंगे। बी पॉइंट, काम में ना आने वाले कार्यस्थल वर्किंग प्लेसेस और उसके विस्तार या एक्सटेंशन तक पहुंचने वाले सारे रास्ते पूरी चौड़ाई पूरी विड्थ में घेर कर अच्छे से फेंसिंग करवा देंगे ताकि कोई कामगार वहां पर धोखे से या अचानक ना पहुंच जाए। सी पॉइंट, यदि उन्हें कोई ज्वलनशील इनफ्लेमेबल और हानिकारक नॉक्सियस गैस का जमाव या एक्युमुलेशन मिलता है तो वे रेगुलेशन 166 में बताई गई पूरी की पूरी सावधानियां लेंगे, पालन करेंगे और उस गैस के जमाव को तब तक नहीं हटाएंगे या छेड़ेंगे जब तक कि उन्हें अपने उच्चाधिकारियों के द्वारा ऐसा करने की अनुमति या परमिशन ना मिल जाए। डी पॉइंट, यदि उन्हें अपने नियंत्रण के डिस्ट्रिक्ट में उनको दिए गए डिस्ट्रिक्ट के भीतर किसी व्यक्ति को या कामगार को दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलती है तो वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचेंगे और दुर्घटना हुए स्थान का निरीक्षण करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन का संचालन या सुपरविजन भी करेंगे तथा दुर्घटना की जानकारी और सूचना खान के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को देंगे। ई पॉइंट, अपने काम का पूरा समय अपने काम पर ही लगाएंगे और खान को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनकी पाली का समय समाप्त ना हो जाए या किसी पूर्व निर्धारित जोड़ीदार सब्स्टिट्यूट या सक्सेसर के द्वारा उन्हें कार्य मुक्त ना कर दिया जाए। एफ पॉइंट, यदि खान या माइंस लगातार पालियों में चलती है तो वे अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के पहले सरदार या अन्य कोई व्यक्ति सक्षम व्यक्ति जो उन्हें रिलीव कर रहा है उनसे चार्ज ले रहा है उससे वे उनके डिस्ट्रिक्ट की वे सारी बातें बताएंगे और वे सब बातें भी बताएंगे जहां पर उसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है तथा ऐसी अन्य और जानकारियां जो उनके डिस्ट्रिक्ट को और वहां काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है ऐसी सारी बातें जरूर बताएंगे। जी पॉइंट, वे यह ध्यान जरूर देंगे कि उन्हें सब रेगुलेशन 1 के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट उन्हें सौंपा गया है वहां के सारे खनन कार्य माइनिंग ऑपरेशंस बनाई गई
कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार ही किए जाएं। पांचवा पॉइंट, ओपन कास्ट माइन होने की परिस्थिति में सरदार और कौन कौन सी बातें विशेष रूप से ध्यान देगा। माइनिंग सरदार यह सुनिश्चित करेंगे कि ए पॉइंट, बेंचों की साइड अच्छे से ड्रेसिंग की गई हो और ड्रेसिंग करके सुरक्षित रखी गई हो। बी पॉइंट, बेंचों की मजबूती स्टेबिलिटी स्थिरता खतरे में ना हो। सी पॉइंट, हॉल रोड को अच्छे से बनाकर मेंटेन करके रखा जाए। डी पॉइंट, ओवरबर्डन डंप की स्टेबिलिटी या स्थिरता खतरे में ना हो। ई पॉइंट, धूल नियंत्रण डस्ट कंट्रोल के सारे उपायों का पालन जरूर किया जाए। तो मित्रों, वीडियो खत्म हो गया। ये थी सरदार की ड्यूटी और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये काम का वीडियो है, जो परीक्षा में बैठ रहे हैं उस पर ध्यान दें। और हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एडवाइस कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।